गंगा और गंडक नदी के संगम पर बसा है सोनपुर, जहां हर साल एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। यहां लोग श्री हरिहर नाथ के दर्शन के लिए भी आते हैं। पर्यटन स्थल होने के कारण शहर में गंदगी का स्तर बढ़ रहा था, जो नदी के जल को प्रदूषित कर रहा था। इस प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक एसटीपी प्रस्तावित है। नमामि गंगा के आने से ये सब घाटों के बनाने में बहुत सा बदलाव आया। पहले यहाँ मट्टी था, पब्लिक यहाँ स्नान करते थे, उनकी पैर धंस जाते थे, कितने लोग डूब जाते थे। नमामि गंगे की तरफ से सीढ़ी का निर्माण हो रहा है और लोगों में जागरूकता फैलाया जा रहा है कि गंगा को स्वच्छ रखने के लिए इसको प्रदूषित न करें। यही नहीं, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत नए घाट बनाए जा रहे हैं। सोनपुर में गंगा की स्वच्छता के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों से भविष्य में सोनपुर से गंगा अविरल और निर्मल अवश्य बहेगी।